मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू शर्मिला ब्लॉग। तो चलिए सुबह सुबह ब्लॉग इसी घर से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा इस घर को ठीक ठाक करके फिर नीचे जाना है। तो सब बने रहिए, मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ फिर। घर को झाड़ू देके फिर आप लोगों के साथ नीचे किचन में निकल, ठीक है? सब बनेगा। तो दोस्तों देखिए, टेंगरा मच लेके आए हैं, तो इसका आज करी बनेगा। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ ये मछली। तो आप लोगों को पहले भी बताया और आज भी बता रही हूँ, चावल का पानी जो है अच्छे से चावल धो के पानी को पेड़ के जड़ों में देना चाहिए। इसमें पेड़ का खाना भी होता है और पेड़ अच्छा भी होता है। देखिए कितना सारा कली खिले है इस पेड़ में। चावल का पानी देते देते ना बहुत अच्छा है, है ना? बहुत सारा गुलाब देखा। तो आज वो वाला मछली पकाने के लिए मुझे चाहिए कछू का गाठी, बोलती हूँ हम लोग। आप लोग क्या बताते हैं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो ये वाला जो डाटा है ये भी देना है और साथ में एक आलू। चलिए बना के फिर आती हूँ। तो ये प्रत्येक दिनों में तो इधर देखिए डेली का रूटीन पंथा भर गया। हाँ, तो इसको अभी प्याज से और मछली जो है उससे खाना है। बोलो तो दोस्तों, देखिए गर्मी में ना बहुत अच्छा रहता है तबीयत ठंडा भात खाने में। तो हरी मिर्च, सूखी मिर्च से भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगी, खाऊंगा। पानी है ना, पानी खाना जरूरी है, पानी अच्छा लगता है। साथ में मछली, चलिए। तो दोस्तों अभी मुझे मछली पकाना है, तो मैंने कढ़ाई बैठा दिया था, कढ़ाई के अंदर ऑयल दे दिया। तो दोस्तों ऑयल गर्म हो चुका है और ये मछली फटता है, इसलिए मुझे चाहिए सिल। तो चलिए मछली भून के फिर आती हूँ। यह जो मछली है मम्मी ने बता दिया है मतलब फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर मम्मी चावल बना रही है, पानी गर्म हो चुका है, मक्खी अभी डिस्टर्ब कर रहा है, अभी मम्मी को चुम्मा दे रही है। तो यहाँ पर मुझे मालूम नहीं दाल पकाऊंगी या खट्टा,
अभी पता नहीं, अभी बन रहा है गाटी। दाल ही बनाऊँ क्या? जो मैं तो बोलता हूँ कि खट्टा ही बनाऊँ, मुझे खट्टा अच्छा लग रहा है। जो मछली के अंदर जाएगा। चलो फिर तुझे भी चुमा। देखिए कितना फट रहा है मछली। तो चलिए रोटी बना के फिर आती हूँ। चलिए फिर भी टपक टपक के फटा। तो दोस्तों अभी मछली भुना हो गया है। अभी इसके अंदर कोकी का गाटी थोड़ा सा भून लूंगी पहले, इसके साथ साथ एक आलू को थोड़ा सा डाटा अभी इसके अंदर दे दूंगी, स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया, हरी मिर्च पेस्ट। तो चलिए इसको अच्छे से पका के फिर इसके अंदर पानी देना है। पहले पका के आती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मसाला भून चुका है और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। अभी इसके अंदर पानी देना है। कैसे लग रहा है? अच्छा हुआ भाजी, हम भी बचपन में ना ऐसा मछली भून के रखते थे मम्मी, और हम भी खाते थे। तो देखिए आप मछली का झोल पक चुका है, चावल बन चुका है। अभी बहुत सारा कचरा हो चुका है, अभी इसको सब सफाई करना है, ठीक है? और जिंदगी सब कचरा हो चुका है। तो अभी ये जो आलू डाटा घाटी ये सब गल जाए फिर इसके अंदर मछली को देना है। तो चलिए 10 मिनट बाद फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अभी इसको ढक के पकाना है। चलिए अभी मछली दे देती हूँ। और इधर थोड़ा सा दाल बिठाया है जो मैं अभी आमला से बनाऊंगी, आमला को बना लेती हूँ। तो दोस्तों दोपहर में खाना दे दिया है आदित्य को। ये देखिए मछली पकाया है और इधर है कुमड़ो वाला मछली। तो चलिए दोपहर में वो खा लेते हैं, ठीक है? तो Thank you.
देखा दोस्तों, कॉन्फ्यूज हो गया क्या करूं मैं, क्या करूं, कौन पुकार रहा है मुझे, यही सोच रहा है। अच्छा वाला बाकी है, बहुत ही अच्छा वाला बाकी है। पानी का पिया है बस, बहुत अच्छा लगा मुझे, मालूम है फिर से आया बाहर से, वो अपने आप को ही देख रहा है ना, वो सोच रहा है मेरे तरह कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं है क्यों। सोच में पड़ गया, बता सकता था तो कितना कुछ बता पाता है ना। तो मैंने बताया ना ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पानी रखा है, खाना भी दिया है, तो पंछी खाया तो अच्छा लगा ना, पानी पिया, मन को बहुत ही सुकून मिलता है। चलिए दोपहर में थोड़ा सा सो लेती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और कुछ शॉर्ट वीडियो भी किया है तो आप लोग देख लेना। और मेरा बाल बहुत ही अच्छा हुआ है वो जो ऑयल बना के, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, ठीक है। देखिए कितना सारा बाल इधर से भी आ रहा है। टाटा बाय बाय।